अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनाली और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए झटपट से बनने वाली दावत के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो भाई रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और जल्दी जल्दी सारी इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी क्वांटिटी मैंने क्या चीज़ कितनी ली है सारी साथ साथ बताती जाऊँगी मैं जब मैं खाना बनाऊँगी। तो आप लोग सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस मत कीजिएगा। इतने मैं कर रही हूँ कढ़ाई में तेल गरम। ये कढ़ाई में हो गया है तेल गरम और इस तेल गरम होते ही मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चिकन और चिकन को मैं अच्छे से भूनूंगी। चिकन मैंने तकरीबन 750 ग्राम ली है और इसको मैं तेल में तकरीबन तेज़ आंच पर 1 मिनट तक भूनूंगी। इसे भूनने के बाद मैं इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दूंगी। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से अच्छे से भूनूंगी। इतना भूनूंगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक कि इसके अंदर जो है वो येलोइश गोल्डन कलर जो होता है ना खूबसूरत से चिकन के अंदर वो आना शुरू हो जाए। और ये देखें ये आ चुका है। और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन मैंने 5 टीस्पून लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको फिर से 1 से 1.5 मिनट तक मैं भूनूंगी। या आप लोग इसका ख्याल भी रख सकते हैं कि जब तक पानी में जोश नहीं आता ना, बहुत गहरा जोश जिसे कहते हैं, तब तक आप इसको भूनें अच्छे से। ये देखें जोश आ चुका है और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी। धनिया कुटा हुआ लिया है मैंने, ज़ीरा भी कुटा हुआ लिया है और लाल मिर्च भी मैंने कुटी हुई ऐड की है। इन 3 मसालों के अलावा मैंने इसके अंदर कोई मसाला भी फ़िलहाल ऐड नहीं किया है। इसको अच्छे से भून रही हूँ। मिर्च आप अपने हिसाब से इसके अंदर डालिएगा। धनिया कुटे हुए धनिया की जो क्वांटिटी है वो मैंने 5 टीस्पून रखी है और ज़ीरे की मैंने 3 टीस्पून रखी है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से जोश आने तक ढक के रख दूँगी। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको ढक के रखा, फिर मैंने इसको खोला और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद मैं इसको फिर अच्छे से भून रही हूँ ताकि हरी मिर्च अपना टेस्ट भी इसके अंदर छोड़ दे। खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी और इसका कलर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर और टमाटर मैंने 5 लिए थे, तकरीबन 5 नॉर्मल साइज़ के, और उसको मैंने छिलका उतार के कट किया था। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और ये 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला तो इसका ये खूबसूरत सा लुक था और खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और तकरीबन चिकन और टमाटर सब कुछ गल चुका था। अब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है तकरीबन 1 कप और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर मैं तकरीबन इसको नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ये 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला तो इसका जो लुक था वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। और फिर मैंने हरी मिर्च में चीरा लगाया हुआ था, अदरक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और मैं इसको अच्छे से भून रही थी क्योंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ भुनाई बाकी थी। और अब मैं इसको अच्छे से भून रही थी ताकि तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। कढ़ाई की खुशबू जो है वो भूख बढ़ा रही थी और अम्मी को भी बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, तो अम्मी भी किचन में आ गई कि क्या ऐसा क्या डाला है तुमने इसके अंदर जो खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और ये तकरीबन तेल छोड़ना शुरू कर दिया है इसने और आप देख सकते हैं इसका कलर जैसे जैसे डार्क ब्राउन होता जा रहा है, मैं तेल जो है वो अलग होता जा रहा है और मसाला अलग होता जा रहा है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये हो गई है कढ़ाई तैयार। और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ और ये मैंने सर्व करना शुरू कर दिया है इसको। और ये देख सकते हैं आप ये किस तरीके का कलर है इसके अंदर। और जब तक मैं इसको सर्व कर रही हूँ आप लोग जाइए जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ फ्यूचर में आपको फ़ौरन से मिल जाएँ। वीडियोज़ अच्छी लगें तो ज़रूर शेयर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।